गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बायो वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीषा पटेल हियर। गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। Now today we'll discuss about circulatory, respiratory and nervous system of cockroach. It's very easy and even important for neat purpose. So let's start with circulatory system of cockroach. As we know that when we talk about circulatory system, so blood, vascular system of cockroach is an most important, remember, open type, right? That means most important here that blood vessels are poorly developed and open into space. We know that in center, that space is known as a hemocoel, which is full of blood lymph. That is hemolymph, right? तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई सेंटर में ऐसे जो कैविटी है होती है जिसको हीमोकोइल बोलते हैं, राइट? तो हीमोकोइल इट इज फुल ऑफ हीमोलिम्फ, राइट? और इन दिस हीमोलिम्फ दैट विसल ऑर्गन्स आर लोकेटेड। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हियर दैर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? सो विसरल ऑर्गन्स दे आर लोकेटेड इन द हीमोकोएल आर बाथड इन ब्लड। एक्चुअली रिमेंबर दैट ब्लड विच नोन एज अ हीमोलिम्फ, राइट? As we know that when we talk about human, in human there is hemoglobin, and hemoglobin which possesses that pigment that is iron, right? Mammals में hemoglobin होता है और उसमें iron होता है। और जब हम बात करें हीमोलिम्फ कॉकरोच में हीमोसाइनिन होता है, एंड हीमोसाइनिन जिसमें होता है कॉपर। क्लियर? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तो जो सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो हीमोकोइल में होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपके, यहाँ पे पूरा ऐसे ब्लड भरा होगा और यहाँ पे ये विसरल ऑर्गन्स होंगे, राइट? और दिस विसरल ऑर्गन दे बाथ इन ब्लड, मतलब कि आजू बाजू हीमोलिम्फ है तो वो पूरा बाथ, मतलब कि बीच में विसरल ऑर्गन होंगे, एंड दे आर बाथ इन, ये जो ऑर्गन्स है बाथ इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इज मेड अप ऑफ कलरलेस प्लाज्मा हीमोलिम्फ विच इज मेड अप ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड दैट सेल्स आर नोन एज अ हीमोसाइट्स। जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
हीमोसाइट्स, राइट, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हार्ट ऑफ कॉकरोच, हार्ट ऑफ कॉकरोच, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो एब्डोमेन और थोरेक्स रीजन में होती है, बट ये जो हर्ट होते हैं वो कौन से साइड पे होते हैं? डोर्सल साइड, मीट डोर्सल साइड। मैंने आपको बोला था कि डोर्सल साइड पे हर्ट होते हैं एंड वेंट्रल साइड पे क्या होती है? नर्वस सिस्टम, राइट। हमें पता है कि डोर्सल साइड पे क्या होता है? हर्ट होता है, एंड वेंट्रल साइड पे क्या होता है? नर्वस सिस्टम, राइट। अब देखने जाए तो कॉकरोच उसमें इलोंगेटेड हर्ट होते हैं, और जो इलोंगेटेड हर्ट होते हैं एक्चुअली हर्ट चैम्बर्स होते हैं, राइट। तो ये ट्यूब जैसा होता है, राइट, और हर्ट देखने जाए तो ऐसे लॉन्ग होता है, राइट, मस्क्यूलर होता है, और ऐसे हर्ट चैम्बर्स होते हैं, फनेल शेप चैम्बर होते हैं, राइट, ओके। अब देखो सबसे पहले ये एंटीरियर पार्ट में ओपन होता है, तो ऐसे ऐसे ये वन चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व एंड लास्ट वन इज क्लोज्ड, दैट इज थर्टीन। तो सेम ऐसे कितने चैम्बर्स होते हैं? थर्टीन चैम्बर्स होते हैं। रिमेंबर फ्रॉम थर्टीन चैम्बर दैट थ्री चैम्बर, वन टू थ्री, थ्री चैम्बर्स दे आर लोकेटेड इन थोरेक्स रीजन एंड रिमेनिंग टेन दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन। क्लियर? थर्टीन इन थोरेक्स एंड टेन इन एब्डोमेन। सो दिस इज अपर चैम्बर, लोअर, अपर लोअर, राइट। ऐसे 13 चैम्बर्स होते हैं, ओके। नाउ सेकंड थिंग रिमेंबर कि जैसे मैं बोलूं ये जो फर्स्ट चैम्बर है, तो फर्स्ट चैम्बर पे ऐसे ये फर्स्ट ऐसा होगा, तो उसको ऑरेक्युलर वाल्व्स बोलेंगे, और जो नीचे है यहां पे भी ऐसा वाल्व होगा जिसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर वाल्व्स, राइट। ऑरेक्युलर वाल्व्स, वेंट्रिकुलर वाल्व्स, तो दो चैम्बर जहां पे यूनाइट होते हैं वहां पे वाल्व्स होते हैं, राइट, ओके। एंड ये जो वाल्व्स है विच इज नोन एज अ ऑस्टिया, क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ऑस्टिया। तो देखो बेटा 13 चैम्बर्स होते हैं, बट वाल पूछे तो वाल 12 पैर होती है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो ऐसे ओपन होता है, तो वाल कितने पैर होते हैं? 12 पैर, ये गलती से पूछ सकते हैं, राइट, ओके। सो हार्ट, राइट, मिड डोर्सल साइड पे होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन मैंने बोल दिया, थोरेक्स में 3 चैम्बर, एब्डोमेन में 10 चैम्बर, टोटल 13 चैम्बर। हार्ट इट इज differentiated into funnel shaped chambers with ostia on either side. तब देख सकते हो दोनों साइड ऐसे ऑस्टिया है, वाल भी बोल सकते हैं, ऑस्टिया बोलो या फिर वाल बोल सकते हो, राइट,
नाउ ब्लड फ्रॉम साइनसिस इट एंटर इन हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज pumped anteriorly to sinuses again. तो देखो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार डिटेल में जो हमने एक्चुअली कल भी देखा था. ये हेड कॉकरोच राइट, ये हीमोकोल होता है यहाँ पे. तो यहाँ से ऐसे हार्ट चैम्बर्स होंगे, यहाँ पे नर्वस सिस्टम होगी. तो ऐसा बोल रहे हैं कि ब्लड साइनसिस में से ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में ऐसे एंटर होता है राइट. ये है उनका साइनस जहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम हो और यहाँ पे हीमोलिम्फ होता है. तो यहाँ से ब्लड साइनसिस के थ्रू हार्ट में एंटर होता है, किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू. फिर वो एंटीरियर साइड पे मूव होता है राइट, एंड अगेन वापस कहाँ पे आएगा? साइनस में राइट. तो ऐसे वो राउंड सर्कुलर होगा राइट. साइनसिस में से हार्ट में थ्रू ऑस्टिया थ्रू वहां से जाएगा एंटीरियर साइड. देखो आप ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर टू कहाँ जाएगा? एंटीरियर रीजन में एंड अगेन वापस साइनस में राइट. तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके सेकंड थिंग याद रखो, ये जो वाल्व्स होते हैं वहां पे उसका कंट्रोल करने के लिए वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है. तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं राइट, ये मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन होता है और वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है. ये जो मसल्स है दे आर नोन एज अ एलरी मसल्स. ये खास पूछते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एलरी मसल्स राइट. सो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम. समझ में आया बेटा सबको? आप क्लियरली देख सकते हो ना? ओके फाइन. एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है? ओके वेरी गुड नाइस. तो ये हो गया आपका कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है ओके फाइन. तो सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना 13 चैम्बर्स राइट, जॉइंट पे जो वाल्व्स होते हैं राइट, दैट इज ऑस्टिया राइट. 13 चैम्बर्स, 3 थोरेक्स में, एब्डोमेन में कितने? 10 राइट. और जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे होते हैं एलरी मसल्स राइट. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है ओके चलो. नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया. अर्थ कॉकरोच उसकी जितनी लेंथ होती है उसकी बॉडी में ऐसे पूरी एक ट्रेकियल सिस्टम आती है. पूरा ऐसा
ट्यूब जैसा उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, राइट? सो इट कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, एंड दिस ट्रेकिया विच ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, दे आर नोन एज अ spiracles, and which spiracles they are present on the lateral side of the body, right? तो mainly ये यहाँ पे जो exchange होता है gases का, जैसे हमारे में nostrils है, right? तो नोस्ट्रिल्स के थ्रू जैसे हमारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, सेम वे यहाँ पे क्या होता है, लेटरल साइड पे स्मॉल होल जैसा होता है, राइट? एंड दैट स्मॉल होल विच इज नोन एज अ स्पाइरेकल, राइट? ये क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरेकल। अच्छा, अब स्पाइरेकल्स की बात कर लें तो स्पाइरेकल्स कितने होते हैं पता है आपको? स्पाइरेकल्स अगेन 10 पेयर्स होते हैं, बट 10 पेयर में से 2 पेयर कहाँ पे होती है, थोरेकिक रीजियन में, एंड 8 पेयर स्पाइरेकल्स कहाँ पे होते हैं, एब्डोमेन रीजियन में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि टोटल 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं इन थोरेकिक रीजन एंड 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, राइट? तो टोटल कितने हो गए, 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स। और ये जो स्पाइरेकल्स की वॉल होती है वहां पे काइटिन के ब्रिस्टल होते हैं, उसकी वॉल में क्या होते हैं, काइटिन के ब्रिस्टल्स। देखो ये जैसे स्पाइरेकल है तो उसकी वॉल में ऐसे काइटिन के ब्रिस्टल्स बोलते हैं, काइटिनियस ब्रिस्टल्स। अच्छा, काइटिनियस ब्रिस्टल मतलब हेयर जैसा, जैसे हमारे नोज में हेयर है तो क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल को अंदर एंट्री प्रिवेंट करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, सेम वे यहाँ पे काइटिनियस ब्रिस्टल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और वे सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, एंट्री नहीं देते हैं अंदर, राइट? तो ऑक्सीजन एंटर होता है ट्रेकिया में किसके थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू, और फिर वहां पे से वो टिश्यू में जाता है डिजोल्व होके, राइट? और बॉडी डिजोल्व ऑक्सीजन गेन करके उसमें से एनर्जी गेन करती है और सेम वे CO2 रिमूव होता है, राइट? ओके, तो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, राइट? अब देखो मेन होती है ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स फिर वो डिवाइड होती है तो दैट इज नोन एज अ ट्रेकियोल, जैसे नहीं अपन बोलते आर्टरी आर्टरियोल्स, राइट? वेयर देन ब्लड कैपिलरीज, वैसे ही ट्रेकियल ट्यूब्स फिर वो डिवाइड होती है ट्रेक्यूल्स में, राइट? वो क्या करता है, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स, राइट? फिर यहां से ऑक्सीजन गेन करके बाकी सब, जैसे यहां पे है फिर उसकी ब्रांचेस हो जाएगी और बाकी सब पार्ट्स तक ऐसे ऑक्सीजन पास करता है, राइट? और फिर डिफ्यूज होता है, एक्चुअली लास्ट टिश्यू में होता है, वहां पे फ्लूइड होता है और वहां पे डिफ्यूजन होता है। ओके, नाउ सेकंड याद रखना दैट द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर, यू नो ना स्पिंचर, दैट इज वाल्व,
राइट, स्पिंचेस क्या होता है, वाल्व जिसके थ्रू ओपन एंड क्लोज होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स. किसके थ्रू, मैंने पहले ही बोल दिया, बाय डिफ्यूजन. किसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू. क्लियर यहां तक का, एनी डाउट? एनी डाउट बच्चा लोग? ओके, वेरी नाइस. सो ये हो गया हमारा कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, यू नो ना, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट? ओके, सबसे पहले मैं एक्सक्रीशन की बात कर लूं तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे हमारे में किडनी काम करती है, राइट? एक्सक्रीटरी वेस्ट तीन होते हैं मेनली. फर्स्ट अमोनिया, NH3. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूनाइट होते हैं, बनते हैं यूरिया. एंड मोर अमोनिया एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 अमोनिया, तो यूरिया बनता है. बट बहुत सारे अमोनिया एंड बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाते हैं यूरिक एसिड. एक्चुअली एमिनो एसिड का जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज होते हैं. एमिनो ग्रुप में से बनता है अमोनिया. जब भी अमोनिया होता है, वो अमोनिया सबसे ज्यादा पॉइजनियस होता है एंड इट मस्ट बी रिमूव वेरी फास्ट. एंड फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया इट रिक्वायर्स हाई वाटर कंटेंट. उससे उल्टा यूरिक एसिड की बात करें तो वो थोड़ा लेस पॉइजनियस होता है, बट फॉर इट्स रिमूवल इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी बट लेस वॉटर. सो एनिमल्स कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं बेस्ड ऑन दैट? अगर वो एमोनिया रिलीज करते हो तो उसको बोलेंगे एमेनोटॉलिक. अगर वो यूरिया रिलीज करते हो तो उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक. और अगर वो यूरिक एसिड रिलीज करते हो तो उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स, राइट? ओके, अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. हमें पता है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंगट देर आर 150 ट्यूब्यूल्स, राइट? दैट इज नोन एज अ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. ईच ट्यूब्यूल is lined by glandular and ciliated cells. तो ट्यूब्यूल ऐसी होती है और यहां पे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं एंड इवन ऐसे ciliated cells होते हैं, right? These cells they absorb nitrogenous waste products and मतलब कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो कलेक्ट करता है एंड कन्वर्ट them इंटू यूरिक
एसिड, राइट। मैंने पहले ही बोल दिया कि आई थिंक 3 या 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 4 5 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जब यूनाइट होते हैं तो बनता है यूरिक एसिड, एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, एंड दिस यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंगट, क्योंकि हमें पता है कि भाई मालपिगियन ट्यूबुल्स कहाँ पे लोकेटेड है, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, तो वो हाइंड गट के थ्रू वो एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करेंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड एज अ यूरिकोटैलिक, इसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल्स, क्यों, बिकॉज वो यूरिक एसिड डिस्चार्ज करता है। इन एडिशन टू दैट the fat body, then nephrocyte and uricose gland, they also helps in excretion. uricose gland की बात करूं तो सिर्फ male cockroach में देखने मिलते हैं, वो mushrooms shape की gland होती है। यूरिकोस ग्लैंड यूरिक एसिड को स्टोर करती है, एंड जब भी कॉपुलेशन होता है वो टाइम पे वो उसको रिमूव करती है। तो यूरिकोस ग्लैंड सिर्फ मेल में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, कॉकरोच इट इज यूरिकोटैलिक, ये ध्यान रखना। और कौन से एक्स्ट्रा सेल हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। और मैंने आपको बोल दिया क्योंकि भाई यूरिकोस ग्लैंड किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ मेल में, ओके। चलो, एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट? ओके, नाइस। So this is about excretory system. Chalo, next let's discuss about nervous system. Nervous system of cockroach, it consists of nervous system of cockroach is consist of, अच्छा क्या होता है इसमें, so it consists of a series of fused segmentally arrange ganglia and they are joined by paired longitudinal connectives on the वेंट्रल साइड। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई ये जो नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम वो कौन से साइड पे होती है, तो वो वेंट्रल साइड पे होती है, राइट। नर्वस सिस्टम कहाँ पे होती है, वेंट्रल साइड में। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई जब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है डोर्सल साइड पे, और अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम होती है वेंट्रल साइड पे। कहां पे होती है, वेंट्रल साइड पे, राइट। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सेकंड थिंग, हम जब बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, तो हर एक सेगमेंट में
ऐसे पैरेट गैंग्लिया होते हैं। राइट, एंड दे आर ज्वाइंट बाय ऐसे कनेक्टिव के थ्रू वो ज्वाइंट होते हैं। जस्ट लाइक अर्थवॉर्म। क्लियर? ओके। अच्छा, अब गैंग्लिया की बात करें तो ध्यान रखना, थ्री गैंग्लिया, थ्री गैंग्लिया लाई इन थॉरेक्स एंड सिक्स गैंग्लिया लाइज इन एब्डोमेन। राइट, तो देखो हर्ट चैम्बर याद रखना, स्पाइरेकल्स कौन से, कितने थॉरेक्स में कितने एब्डोमेन में याद रखना, एंड गैंग्लिया कितने थॉरेक्स में और कितने एब्डोमेन में याद रखना। ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। राइट, ओके। अब देखो ध्यान रखना, क्या है द हेड होल्ड्स अ बीट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि हेड पोर्शन में थोड़ी कम ही नर्वस सिस्टम है, वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो हेड पोर्शन में तो थोड़ा ही पोर्शन होता, बाकी पूरी बॉडी में वेंट्रली लोकेटेड होता है। राइट, एंड दैट इज द रीजन रीजन दैट द हेड ऑफ कॉकरोच इज वेन कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। देखो अब समझ में आया कि अगर उसका हेड कट हो गया तो भी कॉकरोच सवाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेड पोर्शन में बहुत कम रीजन है नर्वस सिस्टम का, मेजोरिटी है वो वेंट्रल साइड पे है, तो अगर हेड को रिमूव कर दो तो भी वो 1 वीक तक सवाई होता है। राइट, ओके। सेकंड थिंग, जैसे हमने देखा था नर्वस सिस्टम कॉकरोच की, अर्थवर्म की, मतलब वहां पे सब सब फेरेंगियल एंड सुप्रा फेरेंगियल था। राइट, यहां पे क्या होता है, तो यहां पे होती है ईसोफेगस के ऊपर, मतलब कि सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लिया, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया, एक्चुअली उसी को बोला जाता है ब्रेन, बट याद रखना ये जो सुप्रा होती है इट इज फ्यूज्ड बाय और मेड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री गैंग्लिया। थ्री गैंग्लिया फ्यूज होके बनती है सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया। सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया इज कनेक्टेड विथ दैट सब इसोफेगल गैंग्लिया। राइट, एंड दे आर ज्वाइंट बाय, किसके थ्रू जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट होते हैं
दैट इज सरकम इसोफेगल गैंग्लिया, सरकम इसोफेगियल कम्यूसर्स, राइट। तो फिर से एक बार देख लो, थ्री गैंग्लिया यूनाइट होके बनता है सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लिया, जिसको आप ब्रेन बोलते हो, इसोफेगस के नीचे सब इसोफेगल गैंग्लिया एंड दे यूनाइट बाय, दिस इज सरकम सरकम इसोफेगियल कम्यूसर्स, सरकम इसोफेगल कम्यूसर्स, राइट। और फिर ये बन जाती है नर्व रिंग, क्या बनती है नर्व रिंग, राइट। तो ये हो गई बात नर्वस सिस्टम। एनी डाउट यहां तक? तो कोई डाउट बच्चा लोग? ओके, वेरी नाइस। चलो अब देखने जाएं। ओके, सेकंड थिंग में एक बात बोलना भूल गई कि जो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया है, राइट, इट सप्लाइज नर्व्स टू एंटेना एंड कंपाउंड आई, वो चीज ध्यान रखना। सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया सप्लाइज नर्व्स टू एंटेना एंड कंपाउंड आईज, ठीक है, वो एक पॉइंट लिख देना। ओके चलो अब सेंस ऑर्गन की बात करें तो कॉकरोच में सेंस ऑर्गन में एंटेनी, देन आईज, देन माउथ पार्ट्स में मैक्सिलरी पल्प्स, देन लेबियल पल्प्स एंड एनल सर्की। अच्छा बात करें कंपाउंड आईज की, तो कंपाउंड आईज कहां पे होती है? वी नो दैट एट डोर्सल सरफेस ऑफ हेड एंड ईच आई इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमे टीडिया। वी नो दैट कंपाउंड आई विच इज मेड अप ऑफ 2000 हेक्सागोनल, याद रखना वो ओमिटेडिया कैसा होता है, हेक्सागोनल, राइट, ऐसे हेक्सागोनल ओमिटेडिया होते हैं एंड विथ सेवरल ओमिटेडिया इट रिसीव्स सेवरल इमेजेस ऑफ एंड ऑब्जेक्ट एंड दैट विजन वी नो दैट इट इज नोन एज अ मोजेइक विजन। मैंने आपको बोला था टूटा 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 हुआ दिखता है, राइट, एंड ये जो मोजेइक विजन है विच इज हैविंग मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, राइट। ओके एंड एक्चुअली वी नो दैट मोर सेंसिटिविटी क्यों है, बिकॉज दैट कॉकरोच इज
नॉक्टर्नल, सो एक्चुअली वो रात को जागने देखता है, तो क्योंकि रात को जागता है तो रात रात को देखना है, तो इसीलिए उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, राइट। नॉक्टर्नल एनिमल मतलब कि जो रात को जागता है, राइट, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल, राइट। ओके, सो ये हो गया आपका कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, राइट। हमने और देखा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना भूलना नहीं। थैंक यू।